नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी मेथी का पराठा। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, मेथी पराठा बनाने के लिए मैं मेथी ली हूँ। मेथी को धोकर काट ली हूँ, कुछ मैं दिखाने के लिए रखी हूँ। तो देखिए इस तरह का होता है मेथी। ये 500 ग्राम गेहूं का आटा ली हूँ। इसी में कटी हुई मेथी डाल देती हूँ। कुटी हुई अदरक लहसुन, अजवाइन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, डो तैयार कर ली हूँ। इस तरह करके तैयार करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब मैं इसे लोई बना लेती हूँ। इस तरह करके लोई बनाना है। तो मैं इसी तरह करके सारा लोई बना लेती हूँ। लोई तैयार कर ली हूँ, पराठा बेल लेती हूँ। तो देखिए एक लोई ली हूँ, तो इस तरह करके गोल कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा परचन लगा लेती हूँ। तो देखिए पराठा बेल के तैयार हो गया। मैं तावा पहले ही गरम होने दे दी थी, अब मैं पराठे को तावे में दे देती हूँ। तावा गरम है तो दे देती हूँ। जब तक वो पराठा पक रहा है तब तक मैं और एक डिजाइन का बना लेती हूँ। बेल ली हूँ, परचन लगा ली हूँ, बेल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा मैं बेल ली हूँ। अब मैं इसे चार हिस्से में काट लेती हूँ। तो देखिए कितना आसानी से तीन कोण वाली पराठा बन गया, कितना सारा। अब मैं थोड़ा सा परचन लगा के थोड़ा सा बड़ा बेल लेती हूँ। आसानी से बन गया तीन कोण वाली पराठा। एक तरफ पक गया है तो हम पलट देती हूँ। रिफाइन ऑयल दे देती हूँ, आप कोई भी ऑयल दे सकते हैं। देखिए तेल को इस तरह करके फैला देना है चारों तरफ। अब मैं पलट देती हूँ। पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये पराठा तैयार हो गया, निकाल लेती हूँ। अब मैं तीन कोण वाली पराठा दे देती हूँ। इसे भी पलट देती हूँ। अब मैं रिफाइन ऑयल चारों तरफ लगा लेती हूँ।
अब इसी तरह करके मैं सारा पराठे को बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, पराठा बन के रेडी है। मैं दो डिजाइन का पराठा बनाई हूँ और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और ये गुड़ है, ये टमाटर का चटनी, इसके साथ खा सकते हैं। मैं मीठा भी दे दी हूँ क्योंकि मीठा भी बहुत कोई पसंद करते हैं। हमारे घर में तो बहुत ही मीठा खाते हैं सब कोई। ये घर का गुड़ है। तो देखिए इस तरह करके तोड़िए। और इस तरह करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।